हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह पर। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का Q2 का रिजल्ट आया है दोस्तों, और दो चार पॉइंट्स इसमें बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, तिमाही जो रिजल्ट होता है क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम आई फॉर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक में, तो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए आइडिया लगता है कि किस तरह का वो कारोबार कर सकता है, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो एक तरह से हमें ये दिखाता है कि क्या ग्रो हो रही है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, किस तरह के फंडामेंटल्स हैं, मैनेजमेंट किस तरह का है। जैसे कि इनके CEO भी चेंज हो रहे हैं, शशिधर जगदीशन बनेंगे आदित्य पुरी जी की जगह। उन्होंने काफ़ी अच्छा, उनके कार्यकाल में बैंक ने काफ़ी अच्छा कामकाज किया। आगे भी चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। आगे भी HDFC बैंक काफ़ी अच्छा करेगा शशिधर जगदीशन के कार्यकाल में। तो इम्प्रूवमेंट है HDFC बैंक में दोस्तों, और इसके आंकड़े दिखाते हैं। दो तीन दिन पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि एडवांस में, मीन्स लोन में भी इम्प्रूवमेंट है, लगभग 15 से 16% की ग्रोथ है, और डिपॉजिट में भी ग्रोथ है, तो डेफिनेटली 15 से 20% ऊपर की तरफ हो सकता है। ये दो तीन दिन पहले वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, और उसी पीछे गिरावट भी आ गई। और उसमें देखिए, फिर जिन्होंने अगर लगभग 1165 के आसपास लिया है ट्रेड के हिसाब से, बहुत सारे ट्रेड भी करते हैं, वैसे ये बड़ा स्टॉक है, ट्रेड भी अगर आप लोअर लेवल में मिलता है तो करना चाहिए, टी फॉर ट्रेड भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिन्होंने आई फॉर इन्वेस्टमेंट किया है HDFC बैंक लिमिटेड में, अभी कुछ दिन पहले ही है, लगभग काफ़ी 1000 के आसपास था, काफ़ी लोग इसमें जो है टेंशन में आ गए थे कि ऊपर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, तो बताने की कोशिश थी। रिजल्ट आ रहा है 17/10/2020 को, और उसमें इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगा। जैसे कि कोविड की प्रॉब्लम तो ख़त्म हो रही है, अब आने वाले दिनों में बढ़ेगी तो वो बात अलग है, बट ये है कि पिछली बार भी इसका रिजल्ट अच्छा आया था, तो बट ये कि सुस्त था, लेगार्ड था, एक तरह से हम देख रहे थे 1000 से 1150 के बीच कारोबार कर रहा था, छोटा एक रेंज था इसका, तो अब लगभग 1200 के आसपास है। तो सबसे पहले आंकड़े देखते हैं दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो नए इन्वेस्टर, नए निवेशक हैं दोस्तों। जैसे कि अर्निंग सीजन आ रहे हैं, उसमें से HDFC बैंक का जो Q2 का रिजल्ट रहा है तो उसे देखते हैं। देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर इंडेड 30 September 2020, ये कॉलम है 30/9/2020 का है, और ये 30/6/2020 का ये कॉलम है, 29/9/2019 का ये कॉलम है। तो इन तीनों को देखते हैं किस तरह का इनका इनकम रहा है। इंटरेस्ट अर्न जो हुआ है लगभग ये लाख में है दोस्तों, इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, लाख में दिए हैं, और इसको हम करोड़ में देखते हैं, 29,976 करोड़ का इनका इनकम रहा है, और इंटरेस्ट अर्न पिछली बार था 30,377 करोड़ का जून के क्वार्टर में, और ये एक साल पहले 28,166 करोड़, यानी मीन्स एक साल पहले के हिसाब से इम्प्रूवमेंट है, और पिछले क्वार्टर के हिसाब से कमी पेशी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक में और भी इनकम होती है, अदर इनकम होता है, इंटरेस्ट का होता है, तो उसमें से टोटल इनकम हम देखते हैं तो 36,000 करोड़ का इनका टोटल इनकम है, और पिछली बार था 33,755 करोड़ का, और इसमें देखिए 34,453 करोड़ का, तो 33,755 करोड़, 34,453 करोड़ और 36,000, यानी मीन्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बेटर एक तरह से हम कोविड के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है दोस्तों। और टोटल इनकम हम देखते हैं, और ये इनका एक्सपेंस और टोटल एक्सपेंडिचर में देखते हैं, तो इसमें प्रोविजन में एक तरह से नज़र डालते हैं, लगभग 3,703 करोड़ का है इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में था लगभग 2,700 करोड़, यानी मीन्स 1,000 करोड़ ज़्यादा हुआ है प्रोविजन, और 3,891 करोड़ इसके हिसाब से कम हुआ है। तो एक तरह से हम जैसे पिछले क्वार्टर के हिसाब से और एक साल पहले के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ के है। अब सारा कुछ टोटल एक्सपेंडिचर के बाद नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो एक तरह से हम देखें नेट प्रॉफिट में 7,513 करोड़, और पिछला था ये 6,344 करोड़, और इससे पहले क्वार्टर में 6,658 करोड़, तो एक तरह से बम्पर प्रॉफिट रहा है, और अच्छा खासा प्रॉफिट रहा है दोस्तों। जैसे कि उम्मीद थी कि HDFC बैंक अच्छा एक इम्प्रूवमेंट इसमें रहेगा, और एक दो तीन दिन पहले भी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, जो HDFC बैंक ने अपडेट दिया था
तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट ही था, लगभग 15 से 16% के आसपास, 18% के आसपास। तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट आया, रेवेन्यू में भी, टोटल इनकम में भी इम्प्रूवमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईपीएस क्या रहा है, तो ईपीएस को देखते हैं हम। लगभग देखें ये है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से 13.7 के आसपास है, पिछली बार था 12.1, 11.6 एक साल पहले। तो एक साल पहले के आसपास से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, 13.7 के आसपास है, बढ़िया एकदम आया है दोस्तों। और अर्निंग पर शेयर में भी इम्प्रूवमेंट है, और ग्रॉस एनपीएस की बात करते हैं तो लगभग 1.08%, 1.36% पिछले क्वार्टर में, 1.38% एक साल पहले। तो ग्रॉस एनपीएस भी कम हुआ है, नेट एनपीएस में देखते हैं तो 0.17%, 0.33% और 0.42% इसमें भी कम हुआ है। और रिटर्न ऑफ एसेट्स में देखते हैं तो 0.18% और 0.44% और 0.450%, यानी मीन्स इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो एक तरह से हम देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है दोस्तों इसमें, और अर्निंग पर शेयर में भी इम्प्रूवमेंट है, प्लस इसका जो इंटरेस्ट इनकम है, टोटल इनकम है, ज़्यादा हुआ है, प्रॉफिट में भी ज़्यादा हुआ है, 7,513 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो HDFC बैंक ने बेहतरीन एक रिजल्ट दिया दोस्तों। और जैसे कि आई फॉर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये स्टॉक है, और 3-4 दिन पहले भी बताने की कोशिश थी, गिरावट होती है तो उसको देखिए। टी फॉर ट्रेड के लिए अगर आप कर रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब उसमें तो स्टॉप लॉस ही लगाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ की बात करते हैं तो लगभग इसको नया हाई जो 1300 के आसपास का है, पिछले वीडियो बताने की कोशिश, वहां से लगभग 10% ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है दोस्तों। तो जिनको प्रॉफिट करना होगा तो तब जब नया हाई ये ब्रेक करे तभी इसमें प्रॉफिट करने की कोशिश करनी चाहिए, जो लंबे समय के लिए बने हो कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए वहां पे, जो टी फॉर ट्रेड कर रहे हैं। तो जब गिरावट होती है तो अपने अनुसार, लेवल के अनुसार आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो बताते रहते हैं, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। गिरावट पे इस पे नज़र रखनी चाहिए दोस्तों, और बढ़ता है अपना नया हाई बनाता है, वहां से 10% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये Q2 का रिजल्ट था दोस्तों, और HDFC बैंक ने बेहतरीन एक तरह से रिजल्ट दिया है, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले समय में स्टॉक में दिखेगा, तेजी बनेगी दोस्तों। दोस्तों ये HDFC बैंक का अपडेट था, जिन्होंने आई फॉर इन्वेस्टमेंट किया है लोअर लेवल पे, तो इसके साथ बने रहिए HDFC बैंक के, और अच्छा खासा आने वाले समय में भी और भी गेन हो सकता है। अब मार्केट अगर गिरती है तब इसमें फिर हल्का फुल्का करेक्शन हो सकता है HDFC बैंक में, बट वो एक जैसे किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर एक तरह से फिर से उसमें एंट्री करने का मौका रहेगा। HDFC बैंक एक तरह से बड़ा स्टॉक है, दिग्गज बैंक है ये प्राइवेट में, तो आने वाले समय में और भी बैंकों के रिजल्ट आएंगे, उसमें भी एक तरह से इम्प्रूवमेंट रहेगा और भी बैंकों का, जिस तरह से अब HDFC बैंक ने दिया है। तो और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, उनको भी देख सकते हैं। SBI का किया है, निफ्टी बैंक का किया है, और SBI कार्ड का है, और एशियन पेंट्स का, उसका भी रिजल्ट आना है, भारतीय एयरटेल का है, और बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जैसे दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, तो इन शेयरों को भी देखिए, SBI कार्ड का है, तो अगर आपके पास हैं ये शेयर इन्वेस्टमेंट के, या भी ट्रेडिंग के कर रहे हैं, टी फॉर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो इनके बारे में भी जान सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहते हैं, उसके लिए करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।